आचार्य जी, जिम्मेदारी कैसे पूरी करूं? मम्मी पापा कुछ और कहते हैं और मैं कुछ और चाहती हूं। ये भी पता है कि वो ठीक है अपनी जगह पर, फिर भी मेरा मन नहीं मान रहा। इसीलिए घर वालों से कुछ समय लिया है, पर अब ऐसा लग रहा है कि समय भाग रहा है और मैं वही हूँ, कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ। ऐसी स्थिति में क्या करूँ कि कोई रास्ता नजर आए और सब ठीक हो जाए, क्योंकि मेरे लिए घर वालों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। पर फिर दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि ये रास्ता मेरा नहीं है। कृपया मार्गदर्शन करो आचार्य जी। मैं क्या मार्गदर्शन करूँ? मार्गदर्शन तो तुम करवा आई हो। जितनी हिंदी पिक्चरों के डायरेक्टर हैं सब तुम्हारे मार्गदर्शक हैं। ये पढ़ रहा हूं और कभी खुशी कभी गम बज रहा है। मेरे लिए मेरे घर वालों की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं। जरूर। मेरे चेहरे पे क्या लिखा है? नाम है मेरा आचार्य प्रशांत। इतनी आसानी से बुद्धू बना लोगी? मम्मी पापा कुछ कहते हैं और मैं कुछ चाहती हूँ, ये जो कुछ है उसका नाम भी नहीं ले रही। इतनी मीठी चीज है, इतना बड़ा खजाना है कि सबसे छुपा रही हो। नाम तो उसी का नहीं लिया जाता जिसको या तो बहुत सम्मान देते हैं या जो नामातीत होता है। परमात्मा का कोई नाम नहीं होता। ये कौन है जिनका तुम नाम भी नहीं लेना चाहते प्रिया? सारा खेल तो सवाल से ही खुल गया ना। हाँ, जैसे रसगुल्ला बट गया। बोला ही इतनी मिठास से। तुम्हें क्या लग रहा है, तुम बच जाओगी? हाँ, ये देखो क्या कह रहे हैं माता श्री पिता श्री, कर लो। या कह रहे हैं कि ना करो, कर लो। तुम क्या कह रही हो? नहीं करनी। ये तो हर लड़की कहती है शुरू शुरू में। तुमने नया क्या बोला? ये तुम अपनी शर्माहट, अपनी ब्लशिंग देखो। तुम तो अभी से विवाहिता हो। तैयारी, ट्रेनिंग पूरी है बिल्कुल। ऐसे ही तो शर्माना होता है। जब इतना कुछ सीख लिया है तो आगे के कामों से कैसे बच जाओगी? छोटी बच्ची पैदा होती है, उसे पता होता है कि ऐसे शर्माना है? जिन्होंने तुम्हें सिखा दिया यूं शर्माना, उन्होंने जो बाकी बातें सिखाई हैं वो भी तुमने सीख ही ली होंगी। तुम्हें अनुपालन करना पड़ेगा। ये लज्जा, ये शर्म, तुम्हें क्या लगता है इनमें कोई सौंदर्य है? यही वो जंजीरें हैं जिससे औरत जकड़ी जाती है। तुम में दुख थोड़े ही उठा, तुम तो भाव विभोर हो गई। और तुम ही नहीं, पूरा कक्ष। मैं और कोई बात बोल रहा था तो इतनी मुस्कान बिखरी थी कहीं। अब देखो कौन बच सकता है? पहला ही वाक्य कहता है आचार्य जी जिम्मेदारी कैसे पूरी करूं। तो बात अजीब है, किसने कह दिया कि ये जिम्मेदारी है? बताओ किस शास्त्र में लिखा है, मैं पढ़ना चाहता हूं। किसने कह दिया जिम्मेदारी है? किस चीज को विवाह कहती हो? मुझे समझाओ, मैं थोड़ा नासमझ आदमी हूं, मैं नहीं जानता। मुझे बताओ किसको विवाह कहते हो? मैं सत्य जानता हूँ, परमात्मा जानता हूँ, मैं प्रेम जानता हूँ, आनंद जानता हूँ, मैं मुक्ति जानता हूँ, सरलता जानता हूँ। मुझे विवाह समझाओ क्या होता है। मैंने किसी उपनिषद में इस नाम का शब्द पढ़ा नहीं। मैं जानना चाहता हूँ ये जिम्मेदारी कैसे हो गया। मूढ़ बनाऊँ? मुझे तो इतना पता है कि जो पैदा हुआ है उसकी एक जिम्मेदारी होती है, मुक्ति। ये 50 जिम्मेदारियाँ कहाँ से आई? जवाब दो, ये क्या है, विवाह क्या है? ये प्रश्न ही दिमाग में नहीं आता ना। और मैं खिलाफ नहीं हूँ विवाह के, मैं बेवकूफ़ी के खिलाफ हूँ, मैं मूर्ता के खिलाफ हूँ। विवाह कुछ होता होगा, अच्छा बुरा मुझे नहीं पता। मुझे समझाओ विवाह क्या होता है, जिम्मेदारी कैसे हो गया? और खास तौर पर ऐसा विवाह जो मम्मी पापा के कहने से किया जाए, ये क्या है? मतलब आचार्य साहब, मन नहीं मान रहा है किसी काम के लिए, शादी के लिए। तो जिम्मेदारी कैसे हो गई? तुमने शुरू में ही कैसे लिख दिया कि जिम्मेदारी है? तुम कुछ हो या जितनी हो बस लोगों के लिए हो, कुछ निजी है तुम्हारा? विवाह का मतलब जानती हो क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति की निरंतर संगति को स्वीकार कर लेना,
दिन रात सिखाता रहता हूँ कि एक चीज है अगर जो आदमी के पूरे जीवन का फैसला कर देती है, वो है संगति। तुम जिसके साथ रह रहे हो तुम वही हो जाओगे। तुम किसके साथ रहने जा रही हो जिंदगी भर के लिए या कम से कम कुछ सालों के लिए, और क्यों, कैसे चुना तुमने? जवाब तो दो। पहली बात तो ये देखो कि संगति आवश्यक है। आदमी के भीतर अधूरेपन का भाव होता है, आदमी को कुछ तो चाहिए जिसके वो साथ हो सके। तो हम मानते हैं कि तुम्हें कोई चाहिए, संगति जरूरी है। हमारे भीतर अपूर्णता होती है और हमें हाथ पकड़ना है किसी का। किसका और किन पैमानों पर तुम चुनते हो कि किससे विवाह करना है, बताओ मुझे। पहली बात तो यह है कि स्त्री कहती है पुरुष की संगति चाहिए, पुरुष कहता है स्त्री की संगति चाहिए, वो भी स्त्री को जवान पुरुष की और पुरुष को जवान स्त्री की संगति चाहिए। तो सबसे पहले तो यहीं पर दिख गया कि तुमने किस आधार पर संगति चुनी है। तुमने किस आधार पर संगति चुनी है? तुम्हारा आधार है दैहिक सुख। तुम कहते हो जिसके साथ तुम संभोगरत हो सको उसी की संगति करोगे, है ना? पहली बात तो ये। और उसमें भी तुम 50 बातों का और ख्याल कर देते हो, समाज ने कितना दबाव बनाया है, जिसके साथ जा रहे हो कमाता कितना है, उसकी जात कितनी है, उसका धर्म क्या है। इस तरह से संगत चुनी जाती है। ऐसे तुम्हें तृप्ति मिल जाएगी, ऐसे मुक्त हो जाओगे। बोलो, जिसको तुम चुन ही देह देख कर रहे हो, वो दिन भर तुम्हारी देह नहीं नोचेगा? चलो ठीक है, सिर्फ देह देख कर नहीं चुन रहे, वो तो मैं भी कह रहा हूं, तुम पैसा भी देखते हो, तो ठीक है, देह नोचेगा, पैसा दे देगा। ऐसे जीना है? मुझे दो लोगों के साथ रहने में क्या आपत्ति हो सकती है? भली बात है, दो लोग साथ हैं और साथ रहने के लिए अगर तुमने कुछ रस्में भी निभा ली तो चलो ठीक है, चलेगा। तुम्हें एक रात का स्वांग करना तो तुमने कर लिया, आग ली, उसके चक्कर काट लिए इर्द गिर्द, ये सब भी तुम्हें करना था, कर लिया, चलो कोई अपराध नहीं हो गया, कर डालो, ये सब भी कर डालो। तुम्हें 100 लोगों को दावत देनी थी, 2000 लोगों को दावत देनी थी, तुमने दावत भी दे ली, चलो वो भी कोई बात नहीं, वो रात तो बीत जाएगी ना, और उसके बाद क्या बचेगी तुम्हारे पास? संगति। तुम मुझे बताओ तुम किसकी संगति कर रहे हो और क्यों? ऐसा तो है नहीं कि शादी की रात के साथ शादी का खेल भी खत्म हो गया, या खत्म हो गया उसके बाद तो खेल शुरू होता है। घर तो ले आए हो, अब उसके साथ जीना भी पड़ेगा, कैसे जियोगे समझाओ मुझे, समझाओ कैसे जियोगे। बड़े ताज्जुब की बात है कि सब जी लेते हैं और मुझे शक है कि वो जी ही नहीं रहे हैं। किसी राधा को किसी कृष्ण की संगत मिलती हो, मैं होता कौन हूं आपत्ति करने वाला, पर तुम हो राधा जैसे, तुम में है कृष्ण की तलब, सीता राम के साथ है, भरत राम की तरफ भागते हैं, ये मीठी संगति है। मर्दाना निरंतर लगा ही रहा नानक देव के साथ, ये सुंदर संगति है। इसमें कभी हो सकता है कि जो जोड़ा बने उसमें एक स्त्री हो एक पुरुष हो, वो बात संयोगवश होगी, आवश्यक नहीं होगी। तुम्हें जहां सच्चा प्रेम मिल जाए, तुम्हें जहां परमात्मा मिल जाए, तुम वहां हो लो। पर क्या तुम शांति की खातिर साथी का चुनाव करते हो?